हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल शिक्षा मंत्र एकेडमी पर। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी में पूछी जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, क्योंकि मैंने देखा हुआ काफ़ी यूट्यूब चैनल अपडेट दे रहे हैं अपने जनरल नॉलेज के बारे में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के बारे में, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ छूट रही है जो हर बार एक या दो नंबर निश्चित रूप से आती है। एक दो नंबर के न्यूमेरिकल केमिस्ट्री से आ जाते हैं और एक दो नंबर के फिजिक्स से। तो मैं लगभग 3 से 4 वीडियो पोस्ट करूंगा जिसमें ये आपके 4 नंबर निश्चित रूप से पक्के हो जाते हैं रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए, और न्यूमेरिकल हर बार पूछे ही जाते हैं, तो इसलिए ये सीरीज में रखूँगा। ये सीरीज है केमिस्ट्री के लिए पार्ट 1, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के ऐसे संख्यात्मक प्रश्न जो पूछे जाते हैं, इसका ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 मैं कल तक अपलोड कर दूंगा। ओके, तो पार्ट 1 में मैं आपको दूंगा कुछ केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस और न्यूमेरिकल। इसके बाद केमिस्ट्री के बाद मैं फिजिक्स के भी 2 पार्ट अपलोड करूंगा जिसमें आपका कंप्लीट एनालिसिस हो जाएगा जिस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं। देखो, सिंपल न्यूमेरिकल आते हैं क्योंकि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, अगर आएंगे तो बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल आएंगे। तो चलिए देखते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी तत्व में 11 प्रोटॉन है या जिसकी द्रव्यमान संख्या 23 हो, तब उसमें उसका परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या बताएं। तो आपको पता होना चाहिए कोई भी एलिमेंट होता है उसमें जितने न्यूट्रॉन होते हैं और जितने प्रोटॉन होते हैं, अगर इनको ऐड कर दें तो आ जाता है आपका द्रव्यमान संख्या, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतना ही न्यूट्रॉन होते हैं, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन निगेटिव, और प्रोटॉन जितने होंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी वो तत्व स्थायी होगा, क्योंकि किसी भी एटम पर कोई स्पेसिफिक चार्ज परमानेंटली नहीं रहता है। ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी होती है उतनी ही प्रोटॉनों की संख्या होती है, और ये हो जाएगा आपका 11, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 11 प्रोटॉन है तो 11 ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ओके, दूसरी चीज़ पूछी हुई है उसमें आगे पूछा हुआ है, तो उसका आंसर है देखिए आप, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या होती है इक्वल टू परमाणु भार माइनस इलेक्ट्रॉन, या परमाणु भार माइनस प्रोटॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो न्यूट्रॉन की संख्या परमाणु भार माइनस इलेक्ट्रॉन, तो 23 माइनस 11 12 आपके आ जाएंगे न्यूट्रॉन। ओके, ठीक है, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। एक मैं सिंपल सा बेसिक सा मॉडल आपको दे रहा हूँ, आगे ध्यान दे जरा। इस तरह से हम लोग किसी तत्व को लिखते हैं, तत्व का अगर सैंपल x लिखा है आपने तो द्रव्यमान संख्या ऊपर लिखी जाती है, ठीक है, यहाँ पे द्रव्यमान संख्या a से रिप्रेजेंट करा जाता है, और परमाणु संख्या लिखी जाती है नीचे से, बोलते हैं z या परमाणु संख्या, ठीक है। अब देखो, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे एक तत्व है 19, इसका इसमें प्रोटॉन है, 21 इसके इसमें न्यूट्रॉन है, तो इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा 40, और ये जो चारों तरफ घूम रहे हैं ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, जितने प्रोटॉन है अर्थात इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे होंगे 19, तो 19 प्रोटॉन, 19 इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन 21, तो परमाणु भार कितना हो गया 19 प्लस 21 40। ओके, क्लियर है, आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था अल्फा या बीटा कण के उत्सर्जन से, किसी तत्व के नाभिक में एक अल्फा कण निकलता है फिर एक बीटा कण निकलता है, यदि नाभिक का परमाणु क्रमांक 92 तथा परमाणु भार 238 है तो उत्सर्जन के पश्चात स्थिति बताएं। देखो, यहाँ पे एक हमने एटम ले लिया है, आप कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पे आपको नाम नहीं लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे नाम यूरेनियम लिख दिया हुआ है, आप कुछ नहीं लिखे, आपको बाद की स्थिति बतानी है। देखो, जब अल्फा कण निकलता है तो ये जो है जितने इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका परमाणु क्रमांक, इसमें 2 की कमी आती है, और जो परमाणु भार होता है इसमें 4 की कमी आती है, ठीक है। तो 92 238 माइनस एक अल्फा कण निकाला है, तो यहाँ पे जो परमाणु क्रमांक था ये 2 कम हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और परमाणु भार जो है 234, मतलब 4 कम हो जाएगा। इसी तरह जब एक बीटा कण निकलता है तो परमाणु क्रमांक में कोई फर्क, परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाता है और परमाणु भार में कोई फर्क नहीं आता है। देखो, यहाँ पे इसमें एक बीटा कण निकला है तो इसमें से पहले 91 हो गया, मतलब यहाँ पे एक बढ़ जाता है, बीटा कण निकला हुआ है, बीटा कण एक्चुअली इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें -1 e₀ इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, तो 90 की जगह 91 हो जाएगा और 234 की जगह ये 234 ही जगह रहेगा, क्योंकि बीटा कण उत्सर्जन में कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है। ओके, सो क्लियर है, इसमें मैंने आपको बताया एक अल्फा कण निकलता है फिर एक बीटा कण निकलता है, तो बाद की स्थिति क्या होगी, जो आपका परमाणु क्रमांक 92 था वो हो जाएगा आपका 91, और जो परमाणु भार 238 था वो रहेगा आपका 234, जो अंतिम स्थिति है वो ये होगी, ठीक है। तो अल्फा बीटा कण उत्सर्जन से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग आराम से इसे कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे चल रहे हैं, किसी गैस का परमाणु भार 64 है और बाष्प घनत्व उसका ज्ञात करना है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, परमाणु भार अणुभार दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में मिसिंग है, मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देना चाहता हूँ। यहाँ पे फार्मूला होता है अणुभार, नहीं सही है, कम क्वेश्चन
अनुभार इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई बाष्प घनत्व, तो अनुभार अपॉन 2 इज इक्वल टू बाष्प घनत्व, यहाँ पे बाष्प घनत्व हो जाएगा 64/2, 64/2 तो 32 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अनुभार दिया हुआ है, बाष्प घनत्व निकालना है, तो उसका आधा कर दो, 64 का आधा कर दिया, 32 इसका आंसर है, ठीक है। अगला, किसी अम्ल का अनुभार 98 है, उसका तुल्यांकी भार 49 है, इसकी क्षारकता ज्ञात करें। देखो यहाँ पे फार्मूला होता है, जो क्षारकता या अम्लता उसकी ये यूज किया जाता है संयोजकता, ठीक है। तो सीधा बेसिक सा फार्मूला है, सीधा आंसर आता है। देखो फार्मूला है, क्षारकता इक्वल टू अनुभार अपॉन तुल्यांकी भार, क्षारकता इक्वल टू अनुभार अपॉन तुल्यांकी भार, अनुभार 98 है, तुल्यांकी भार 49 है, डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा आपका 2। तो इसकी क्षारकता कितनी हो गई, 2। एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी तरह का है, देखें जरा। सल्फ्यूरिक अम्ल की भास्मिकता 2 है, मतलब वहाँ पे क्षारकता थी लेकिन अम्ल है तो उसकी भास्मिकता होगी। अम्ल की भास्मिकता 2 है, तुल्यांकी भार बताएं। तो देखो सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4, तो इसका एटॉमिक जो वेट है वो निकाल लो सबसे पहले। तो H2SO4 का अनुभार 2 मल्टीप्लाई 1, हाइड्रोजन का 1 होता है, सल्फर का 32 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, 4 मल्टीप्लाई 16, तो 98। पहली बात, ये संख्या जो 98 मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट करी हुई, ये आपको क्वेश्चन में पहले ही दी जाएगी। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुभार कितना हो गया 98, वही फार्मूला, तुल्यांकी भार इक्वल टू अनुभार अपॉन भास्मिकता, उधर लिया उसको 98/2, 49 का आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सॉरी, और लास्ट क्वेश्चन, STP पर किसी गैस के 5600 ml का भार 12 ग्राम है, उसका अनुभार बताना है आपको, ठीक है। तो देखो जरा, STP पर 5600 ml का भार कितना है, 12 ग्राम, तो 1 ml का भार कितना हो जाएगा, 12/5600, लेकिन हम लोग जो भी निकालते हैं STP कितना होता है, 22.4 लीटर पे, मतलब 22400 ml पे, इसलिए 22400 ml निकाल दो, तो 12 × 2 = 4000/5600, तो आपका आ जाएगा 48 ग्राम। तो 48 ग्राम इसका क्या हो गया, अनुभार। इसी टाइप के क्वेश्चन आने, इनसे हटके एक भी क्वेश्चन नहीं आना है, सारे क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। रेलवे ग्रुप डी में एक क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से मिल सकता है और एक मार्क आपका सॉलिड हो जाता है इस वीडियो को देखने से, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रेलवे के जो ग्रुप्स हैं उन पर शेयर कर दीजिए, जहाँ आप शेयर कर सकते हैं कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, इसके पार्ट 2 के साथ और फिजिक्स के क्रैश कोर्स के पार्ट 1 के साथ। इसके ऊपर आई बटन पर मैंने केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स भी दिया हुआ है, जिसमें आप अगर जिसे तैयार कर लेते हैं तो आपकी केमिस्ट्री में लगभग 2 या 3 नंबर और पक्के तैयार हो जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।